अरे भाई, अरे आया भाई। यार देखना, गाड़ी में कुछ खराबी हो गई है, जल्दी से सही कर दो। ठीक है, बोनट खोल दो आप। भाई इस गाड़ी में तो काफी खर्चा आएगा। तुम पैसे की चिंता मत करो, बस गाड़ी सही करो जल्दी से। अच्छा, गाड़ी तो हो जाएगी सही, लेकिन इमरजेंसी चार्ज अलग से लगेगा। एक मिनट रुको। ये लो, इतने काफी है ना, हो जाएगी ठीक। हाँ हो जाएगा, तुम यहाँ बैठ के इंतजार करो, मैं सही करता हूँ इतने गाड़ी। हाँ ये लीजिए, हो गई आपकी गाड़ी ठीक। थैंक यू सो मच। अरे भाई साहब एक मिनट, फिर अपनी गाड़ी की डिग्गी खोल देंगे, मेरा थोड़ा सामान रह गया। अरे मेरी गाड़ी की डिग्गी में तुम्हारा सामान रह गया? हाँ वो काम करते वक्त छूट गया था, एक बार खोल दीजिए ना, मैं निकाल लेता हूँ। जाओ। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। वो बस ये रह गया था, ये निकालना था। कोई नहीं, आप निकल जाइए, आप वैसे भी लेट हो रहे थे। ठीक है। अरे कहाँ रह गए तुम यार, मैं पहुंच गया, तुम भी आ जाओ। ठीक है। तुम वही हो ना जिसने उस दिन मेरी गाड़ी ठीक की थी? हाँ। क्यों, क्या हुआ? उस गाड़ी में मेरा बैग था, तुम्हें मिला था क्या? नहीं, मुझे तो कोई बैग नहीं मिला, और अगर भला मुझे कोई बैग मिला भी होता तो मैं वापस लौटा देता, अपने पास क्यों रखता? भाई अगर वो बैग नहीं मिला ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे भाई साहब कुछ जरूरी सामान था क्या आपका उसमें? उस बैग में पैसे थे, अगर वो पैसे नहीं मिले ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरी बेटी का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। हाय सागर, I'm so sorry, मैं लेट हो गया आने में। हाँ ठीक है, चलो चलो। क्या बात है, थोड़े परेशान लग रहे हो, कोई बात है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बताओ कैसा रहा तुम्हारा दिन, इंटरेस्टिंग था या फिर बोरिंग? क्या ही इंटरेस्टिंग होगा, अरे आते आते मैंने एक एक्सीडेंट देख लिया, बहुत गंदा सा। क्या एक्सीडेंट, किसका? अरे किसी दारू पी आदमी ने रिक्शा वाले को टक्कर मार दी, बेचारे को बहुत ज्यादा चोट आई थी, गरीब भी था। और लोग भी पता नहीं सागर दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं है, ये समझते ही नहीं है कि उनके एक्शन से किसी और के लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। खैर वो कहते हैं ना, सबसे बड़ी माँ कर्मा होती है, कर्मा ना किसी को नहीं छोड़ती है। इंसान चाहे किसी के साथ जितना भी गलत कर ले, पर कभी ना उसका परिणाम उसे भुगतना ही पड़ता है। तुम एक मिनट रुको, मैं भी आया। पर कहाँ जा रहे हो? सर आप चिंता मत कीजिए, मुझे बस थोड़ा टाइम दीजिए, मैं कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम जरूर कर लूंगा, प्लीज सर। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपके पैसे मेरे पास है। तुम्हारे पास पैसे कैसे है? एक्चुअली बात यह है कि जब आप गैराज में गाड़ी ठीक करवाने के लाए थे तो उसमें मुझे एक बैग मिला था, और उसमें बैग में ये सारे पैसे थे, तो बस मैंने वहाँ से निकाल लिए। मैं मानता हूँ मेरी वजह से आपको काफ़ी परेशानी हुई, आपको माफ़ कर देना, और ये लीजिए आपके पैसे। और हाँ, इन पैसों में से ना मैंने कुछ पैसे खर्च कर लिए अपने नए कपड़े लाने में। जैसे ही मेरे पास पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा मैं आपको पक्का पैसे वापस लौटा दूंगा, और हाँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अरे तुम्हें पैसे लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम एक अच्छे इंसान हो जिसने मेरे पैसे लौटा दिए, तो
तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो कभी इन पैसों को वापस नहीं करता। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। पूछा वो मेरी बात, मैंने सब सुन लिया है। और क्या क्या झूठ बोला है तुमने मुझसे अब तक? हाँ पूजा, मैं मानता हूँ मैंने तुमसे झूठ बोला, और मैं जो भी गाड़ी तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए लाता था उनमें से कोई भी गाड़ी मेरी नहीं थी। बस वो गाड़ी तो रिपेयरिंग के लिए आती थी तो मैं तुम्हें दिखाने के लिए ले आता था, और ना ही मैं कोई गैराज का मालिक हूँ, मैं तो एक छोटा सा और मामूली सा बस मैकेनिक हूँ। हाँ पूजा, मैं मानता हूँ मैंने तुमसे झूठ बोला, मुझे लगा कि अगर तुम्हें मेरी गरीबी के बारे में पता चलेगा तो क्या पता तुम मुझे छोड़ कर ना चली जाओ, बस इसीलिए। और हाँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं वो लड़की नहीं हूँ जो पैसों के लिए प्यार करे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया ना, यही बहुत बड़ी बात है। तुमने उस आदमी के पैसे भी लौटा दिए, उससे माफ़ी भी मांग ली, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी। क्या सच में? हाँ सच में, अब ना मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाने चले? कहाँ, यहाँ पर? यहाँ खाने लायक तो पैसे नहीं है मेरे पास। अरे तो जरूरी थोड़ी कि यहीं पे खाए, जहाँ प्यार होता है ना वहाँ सूखी रोटी भी 5 स्टार से कम नहीं लगती है। चलो बाहर।